हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कणक में हमारे पास दीमक लग जाती है उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट रेंज और क्या क्या वो डैमेज कर सकती है और उसका क्या कंट्रोल है। साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है माइक्रोटर्म्स ओबेसी। डिस्ट्रीब्यूशन और होस्ट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसका इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड वियतनाम है और इसका होस्ट नेम जो है वो है वीट। लाइफ साइकिल में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोलॉजी है जिसमें कि एग, नाइम एंड एडल्ट ये तीन स्टेजेस होती हैं। ये जो है वो तीन आगे सब सब क्लासिफिकेशन होंगी इसकी, रिप्रोडक्टिव, सोल्जर, वर्कर्स, ये इनके आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले स्टेज है एग, जो कि डल और किडनी शेप और हैच हो जाते हैं 30 to 90 डेज के अंदर अंदर। और निम्फ की बात करें तो मोल्ट 8 to 9 टाइम्स और ये फुली कम्प्लीटली ग्रो हो जाती है 9 to 12 मंथ। डल्ट की बात करें तो ये क्रीमी कलर, डल्ट की बात की जाए तो क्रीमी कलर टाइनी इंसेक्ट रिसेंबल करते हैं आंट्स विद डार्क कलर हेड। अभी हमारे जो फसल है उस पर कैसे कैसे डैमेज पहुंचा सकती है। जब हम अपनी क्रॉप को लगाएंगे तब भी ये डैमेज कर सकती है उसको। जब हम ये उसकी फीड करती है रूट्स पर, स्टेम्स पर और डेड टिश्यूज पर, ये हमारी क्रॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी अगर हमने इसकी प्रिकॉशन ना लिए तो। तो केमिकल्स हम कौन कौन से डाल सकते हैं, क्लोरोफायरोस 20% ईसी, इसके हमें डोज डालनी है 19 लीटर वाटर में 1% यानी कि 1 लीटर मिक्स करनी है 19 लीटर पानी में। लिडेन 20% ईसी और इमेडाक्लोरोप्रिड 30.5% एससी, इसके हमें डोज डालनी है 10.5 ml ऑफ द क्लोरोप्रेट 30.5% SC, इसे हम मिक्स करना है 5 लीटर ऑफ वाटर में। ये कंपनीज है जो क्लोरोफोस 20% EC बनाती है। इमेडाक्लोरोप्रेट की जो ये आगे चार कंपनीज हैं जो इसे बनाती हैं, इमेडा इंसेक्टिसाइड, कॉन्फोर सुपर, बोम्बा सुपर, इमेडा गोल्ड प्लस। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।